नमस्कार मित्रों मैं भरत राणी जी अपने ज्योतिष प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मित्रों आज हम चर्चा करेंगे गर्भ संस्कार मुहूर्त के बारे में आज मैं आपको एक सटीक मुहूर्त दूंगा उन लोगों के लिए जिनके लिए जिनको गर्भ धारण करने में समस्या आ रही है यानी गर्भपात का वे बार बार सामना कर रहे हैं या गर्भ नहीं ठहरता है उनके लिए मैं सटीक मुहूर्त दूँगा ये मुहूर्त वाकई में बहुत ही सटीक है और बहुत ही शुभ मुहूर्त रहेगा तो मित्रों ये मुहूर्त आपको क्यों आवश्यक है क्योंकि ये जो है मैं आपको पूर्णा तिथि बताऊंगा जया तिथि बताऊंगा इन तिथियों में अगर आप गर्भ संस्कार करेंगे तो गर्भ अवश्य ठहरता है और दूसरी बात ऐसे नक्षत्र दूंगा जो स्थिर नक्षत्र हैं अगर इनमें गर्भ संस्कार किया जाए तो ये श्रेष्ठ रहता है आपके लिए उत्तम रहता है उत्तम योग इन नक्षत्रों में अगर गर्भ धारण किया जाए तो जल्द ही आपकी इच्छा पूरी होती है तो मित्रों ऐसे मुहूर्त कौन से हैं तो मैं आपको बताता हूँ तिथि के बारे में तो तिथि जया तिथि या पूर्णा तिथि हो तो ये शुभ मानी जाती है जैसे कि तृतीय तिथि है पंचमी तिथि है अष्टमी तिथि है दसवीं तिथि और त्रयोदशी तिथि इस कार्य के लिए शुभ मानी गई है यानी गर्भ संस्कार का मुहूर्त इन तिथियों में किया जाए तो अवश्य गर्भ ठहरता है इसके बाद मित्रों बात करें तो नक्षत्र के बारे में तो आप लिख सकते हैं या याद कर सकते हैं रोहिणी नक्षत्र होना चाहिए या उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र उत्तरा साढ़ा नक्षत्र और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है वो इस मुहूर्त के लिए बहुत ही श्रेष्ठ माने जाते हैं तो मित्रों इस संबंध में और आपको अधिक जानकारी चाहिए या मुहूर्त चाहिए तो और इस बारे में मैंने एक और वीडियो बनाया है ऊपर आई लिंक में या नीचे विवरण में उसका लिंक दे दूंगा आप वो वीडियो भी देख सकते हैं और मित्रों इस संबंध में आपको और कोई जानकारी चाहिए या सटीक मुहूर्त चाहिए तो कमेंट कीजिए मैं आपको सटीक मुहूर्त देने का अवश्य प्रयास करूँगा सही मुहूर्त देने का प्रयास करूँगा फिर मिलेंगे नई जानकारी लेकर धन्यवाद